आज जब उनकी अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है तो उनको भी लगता है कि अवैध कर रहे कार्य का नतीजा भी अवैध तरीके से ही उसका निस्तारण भी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, ज्योति मौर्य के आशिक मनीष दुबे के घर पर चला योगी का बुलडोजर। योगी सरकार ने यह साफ साफ ऐलान कर दिया कि जिस तरीके से मनीष दुबे ने गलत काम करके अवैध तरीकों से पैसा वसूल कर इस मकान को बनाया है, कुछ इसी तरीके से इस महल को गिरा दिया जाएगा। योगी सरकार आ गई है फुल एक्शन में, अब योगी को रोक पाना मुश्किल है। जहाँ दोस्तों योगी का कहर आप देख पा रहे हैं अपनी इस वीडियो में, जो मकान ये दिख रहा है आपको, ये मनीष दुबे का वही मकान है जो कि अवैध तरीकों से बनाया गया था। और मनीष दुबे वही है जो ज्योति मौर्य को अपने जाल में फंसा कर रंगरलिया मचाया है उसके साथ, और उसको लेकर योगी आदित्यनाथ का फुल एक्शन करा बयान और काम चालू हो गई है। आप देख पा रहे हैं कि योगी सरकार ने उसकी सारी संपत्ति को, उसके अवैध तरीके से बनाए हुए घर को धराशायी कर मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है। जहाँ दोस्तों आप सबको पता होगा कि किस प्रकार से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जिंदगी तबाह हुआ सिर्फ और सिर्फ इस तीसरे व्यक्ति को आने की वजह से। इससे पहले उनकी इतने दिनों की शादी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन इस ज्योति मौर्य के वजह से बहुत सारी ऐसी विवाहित महिला जिनका सपना था SDM बनना और भी बड़े बड़े पद पर नौकरी करना, उनका सारा सपना सपना ही रह गया और उनके पतियों ने उन्हें अपने घर वापस बुला लिया। तो दोस्तों अब आप कमेंट करके बताइए कि मनीष दुबे के ऊपर जो ये कदम उठाया गया है योगी सरकार के, ये सही है या गलत, कमेंट करके बताइए।